सभी दर्शकों को नमस्कार आज हमारे स्टूडियो में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए हैं मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज आपके बीच प्रश्नावली पर बातचीत करेंगे प्रश्नावली जिसकी ज़रूरत एक शिक्षक को अपने विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए निरंतर पढ़ते रहती है विद्यार्थियों के गुण उनके उनकी समस्याएं उनकी बातों को समझने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग एक शिक्षक विद्यालयों में निरंतर करता है इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए हैं डॉक्टर राजेंद्र जी आ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि प्रश्नावली क्या है धन्यवाद तिवारी जी जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नावली एक प्रश्नों की श्रृंखला होती जिसमें किसी विषय से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हो होते हैं उत्तरदाता उनको पढ़ता है तथा प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में अपने अनुभवों के आधार पर देता है यहाँ पर अनुभव सब बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर देने के बाद वो प्रश्नावली को परीक्षक को लौटा देता है उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप छात्रों की बुद्धि का मापन करना चाहते हैं तो आपकी प्रश्नावली में मान लीजिए पचास प्रश्न है तो एक से लेकर पचास तक जो प्रश्न है ये प्रश्नों की श्रृंखला है और जो समस्या है वो है आपका बुद्धि का मापन अब इसमें जो आपके छात्र हैं वो एक एक करके प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देंगे उस जब प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी उत्तर दे देंगे उसके बाद इसको वापस परीक्षा को लौटा देंगे तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है ये प्रश्नावली कहलाती है जी धन्यवाद प्रश्नावली सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक का एक टूल है आ, कोई व्यक्ति अपने गुणों आ, के बारे में या अपनी सोच के बारे में आ, जब कुछ बताता है तो वो आ, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक कही जाती है और प्रश्नावली इसी का एक टूल है जिसमें कई प्रश्नों के माध्यम से वो अपनी बातों को सामने रखता है अच्छा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है एक शिक्षक को अपने विद्यालय में प्रश्नावली की क्यों ज़रूरत पड़ती है छात्रों के व्यवहार के विभिन्न गुणों का मापन एवं आकलन करने के लिए प्रश्नावली एक प्रभावी उपकरण है जैसा कि आप जानते हैं कि साक्षात्कार से आंकड़े संकलन में अधिक समय लगता है ऊर्जा अधिक लगती है और प्रश्नावली को आप सामूहिक रूप से प्रशासित कर सकते हैं जबकि साक्षात्कार को आप जो व्यक्तिगत रूप से प्रशासित करते हैं तो इसमें समय अधिक लगता है जी जैसे कि आप जो है बच्चों को गृहकार देते हैं और कभी कभी घर पे माता पिता की सहायता की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कोई दादा है दादी है माँ है पिता है तो उनकी सहायता करते हैं तो उनका सहयोग घर में बहुत ज़रूरी होता है तो एक शिक्षक के रूप में आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता की उनके गृह कार्य को हल करने में सहभागिता है कि नहीं जी यानी एक 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 विद्यार्थी की विभिन्न समस्याओं को समझने का माध्यम है जरिया है जरिया है जरिया है जी तो आप पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग में सभी पिता माता पिताओं को बुला करके सभी को एक साथ प्रश्नावली देकर के आप जान सकते हैं कि बच्चों को अपेक्षित सहयोग मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है अधिगम से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए तो इसलिए हमको जो है प्रश्नावली की आवश्यकता होती जी राजेंद्र जी अब आ, हमारे दर्शकों के लिए कृपया प्रश्नावली के प्रकारों पर थोड़ा प्रकाश डालें कि किन किन प्रकार के कितनी प्रकार की प्रश्नावलियाँ एक शिक्षक अपने दैनिकचर्या में अपने विद्यालय में प्रयोग करने की ज़रूरत उसे पड़ती है सामान्यतः प्रश्नावली तीन प्रकार की होती है नंबर एक सीमांत एकांश प्रश्नावली जिसे बंद प्रश्नावली भी कहते हैं नंबर दो खुली प्रश्नावली नंबर तीन मिश्रित प्रश्नावली सीमांत एकांश प्रश्नावली मूल रूप से क्या होता है इसका निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग कैसे होता है कृपया इस पर प्रकाश डालें सीमांत एकांश प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के कुछ निश्चित उत्तर दिए होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प होते हैं जिसमें तीन गलत होते हैं तथा एक विकल्प सही होता है उत्तरदाता को अपने अनुभव के आधार पर सही विकल्प का चयन करना होता है उदाहरण के लिए आप किसी छात्र से पूछें भारत की राजधानी कहाँ है तो इसमें आप उसको चार विकल्प देंगे आ कोलकाता बा दिल्ली सा मुंबई द मद्रास तो अगर छात्र जानता है तो वो दिल्ली पे सही का निशान लगा देगा तो चार विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जब चुनाव करते हैं तो उसको सीमांत एकांश प्रश्नावली कहते हैं एक अन्य उदाहरण भी हम लेते हैं आपको विद्यालय में छोड़ने कौन आता है आ माता बा पिता सा दादा दा दादी तो जो छोड़ने आता है उस पर बालक सही कर लगा देगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आ, उनकी प्रतिक्रिया क्या है अच्छा इस प्रश्नावली के दोष व गुण और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इस प्रश्नावली के निर्माण के समय या इसके प्रयोग के समय इसके संदर्भ में भी आ, हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें इसको बताने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ तिवारी जी इस सीमांत एकांश प्रश्नावली में बहुविकल्पीय प्रश्नों के अतिरिक्त आप मिलान प्रश्न वरीकरण प्रश्न सत्य असत्य प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न आदि को भी सम्मिलित करके आप आकलन कर सकते हैं अच्छा इसका विविध स्वरूप हाँ विविध स्वरूप है विविध स्वरूप जी जहां तक सीमित एकांश प्रश्नावली है उसके कुछ दोष भी हैं कि इसमें अनुमान लगाने की संभावना रहती है और यदि प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी है तो उत्तरदाता विकल्प को ठीक से पढ़ते नहीं है और बिना निशान लगाए हुए दे देते हैं या गलत निशान लगा देते अर्थात जब हैं। प्रश्नों का निर्माण हो हाँ। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़े प्रश्न ना बने हाँ छोटे प्रश्न छोटे प्रश्न जी और एक परीक्षक के लिए चार विकल्प का तैयार करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि तीन सही उत्तर से मिलते जुलते विकल्प बनाने पड़ते हैं तो इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है और सीमांत एकांश प्रश्नावली बनाते समय कुछ सावधानियाँ हैं सावधानियाँ बरतनी चाहिए सीमांत एकांत प्रश्नावली के प्रश्न एवं विकल्प बनाते समय आप निम्न सावधानियाँ बरतें प्रत्येक प्रश्न के लिए चार या अधिक विकल्पों का निर्माण करना चाहिए ताकि अनुमान की संभावना को समाप्त किया जा सके विकल्पों में समरूपता होनी चाहिए सही उत्तर के बारे में कोई संकेत न हो उदाहरण के तौर पर आपने पूछा कि भारत की राजधानी कौन सी है और आपने चार विकल्प बनाए पाकिस्तान भूटान नेपाल और दिल्ली इसमें अनुमान लगाना बहुत आसान है तीन तो देशों के नाम है एक शहर का नाम है तो आसानी से छात्र अनुमान लगाने का यह शहर का नाम है यही होगी राजधानी जबकि वो जानता नहीं है यानी सही डिस्ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है जो उसे आ, सही उत्तर से थोड़ा हाँ, भटका सके भटका सके हाँ, जी तो इसके लिए आप ये करें जो देशों के नाम हैं उनको हटा करके भारत के बड़े बड़े शहरों का नाम रख दीजिए जैसे बंबई कलकत्ता मद्रास अब इसको पहच अनुमान लगाने में कठिनाई होगी तो जो बच्चा जो छात्र जानता है वही उसका उत्तर दे पाएगा और जो नहीं जानता है वो नहीं दे पाएगा ये बहुत बढ़िया आपने उन सावधानियों का जिक्र किया जो सीमांत एकांश प्रश्नावली के निर्माण के समय एक शिक्षक को बरतनी चाहिए अब मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि खुली प्रश्नावली क्या है और इसके क्या गुण और दोष हैं और इसके निर्माण के समय किस प्रकार की सावधानियां एक शिक्षक को बरतनी चाहिए खुली प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है जिसमें सीमांत एकांश प्रश्नावली के समान प्रतिक्रिया विकल्प नहीं होती बल्कि उत्तरदाता को प्रश्नों को पढ़कर अपने उत्तरों को शब्दों में लिखना होता है जी खुली प्रश्नावली में प्रश्नों के संदर्भ में उत्तरदाता जैसा सोचता है समझता है उसका लिख उत्तर देता है जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ आप विद्यार्थी से पूछ सकते हैं दीपावली के त्यौहार का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है बताइए आप पर्यावरण को शुद्ध एवं सुरक्षित कैसे रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से विश्व को क्या खतरा है तो वो जैसा सोचता है समझता है जैसा ज्ञान है उसके आधार पर उसको लिखेगा जी यानी हमने उसको बाध्य नहीं किया कि तीन या चार बिंदुओं के अंतर्गत ही उसी में से किसी एक का चयन करना है बल्कि हमने उसे फ्री रखा हमने उसे मुक्त अवसर दिया कि वो अपने अनुभवों को अपने ज्ञान को साझा कर सके ये आ, खुली प्रश्नावली की खूबसूरती है खूबसूरती है इसके निर्माण के समय किस प्रकार की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए तुम्हारा जी निर्माण से पहले मैं एक चीज और साफ कर देना चाहता हूँ प्रश्नावली के कुछ लाभ हैं जैसे कि आप जानते हैं कि सीमांत एकांश प्रश्नावली में चार विकल्प होते हैं और चार विकल्प आप इस तरीके जैसा आप सोचते हैं वैसे आप विकल्पों का कर निर्माण कर, करते हैं इसमें छात्रों की सोच का महत्व तो नहीं होता तो जो खुली प्रश्नावली है उसमें छात्र जैसा सोचता है समझता है वैसा उत्तर देता है जैसे कि एक प्रश्न है पूछा आपने किसी से किसी छात्र से आप विद्यालय कल क्यों नहीं आए थे तो आपने चार बोल विकल्प बनाए उसके लिए देरी से उठे गृहकार नहीं किया कपड़े नहीं धुले थे माता पिता ने नहीं भेजा तो संभव हो कि उत्तर कोई और पांचवा हो पांचवा जिसके हो, लिए अवसर ही नहीं है। अवसर ही नहीं है जैसा वो, जैसा वो हो सकता है कि बस छूट गई किसी की सहायता उसने की हो विद्यालय में उसको पढ़ने में मन ना लगता हो और रास्ते में शरारती सरा, सरा, तत्वों ने उनको घेर लिया हो पीटा हो या फिर बरसात आ गई हो बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो उनको जानने का अवसर तो उसमें उनको व्यक्त करने का अवसर तो उसे मिला ही नहीं तो इसलिए खुली प्रश्नावली छात्र जैसा सोचता है समझता है उसको व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान करती है इसके अतिरिक्त आप खुली प्रश्नावली से छात्रों की भाषात्मक गुण विषय को विषय का प्रस्तुतिकरण कैसे करता है छात्र उसमें संश्लेषण और विश्लेषण करने की क्षमता कैसी है उसमें तर्क देने की क्षमता कैसी है पक्ष पक्ष में तर्क कैसे देता है विपक्ष में कर तर्क कैसे देता है उसका सुलेख कैसी है ये सारी चीजों को आप जो है खुली, खुली प्रश्नावली के माध्यम से आप जान सकते हैं यानी उच्च स्तरीय जो चिंतन की क्षमता है जो बौद्धिक गुण है उनको जानने का माध्यम जो बंद प्रश्नावली जिसकी चर्चा आपने पूर्व में की उसके स्थान पर खुली प्रश्नावली ज्यादा उसमें सक्षम है आपने ये दर्शकों को बताया अच्छा इसके लाभ और दोष क्या क्या, -क्या हैं गुण और दोष क्या क्या इस इसपे भी थोड़ा प्रकाश डाल लाभ तो मैंने आपको बता दिया मैं दोष बता देता हूं खुली प्रश्नावली में व्यक्ति निष्ठता रहती है जैसे परीक्षक किसी छात्र ने कोई उत्तर लिखा जैसे दिवाली का सामाजिक जीवन में क्या महत्व तो है हो सकता है वह उत्तर उस शिक्षक को पसंद नहीं आया हो दूसरे शिक्षक की कुछ और पसंद हो सकती जी, है।, जी। है तो छात्रों के जो अंक है शिक्षक की पसंद नापसंद से प्रभावित होते हैं है। तीसरा वर्गीकरण में कठिनाई होती है क्योंकि एक जैसे उत्तर होते हैं अब कौन सा अच्छा है कौन सा सही है इसको थोड़ा भे, भेद करने में शिक्षक को कठिनाई होती है और अगली बात यह है इसको अंक देने में यानी स्कोरिंग करने में अवलेखन में और कूट संकेतन में भी शिक्षक को कठिनाई सब्जेक्टिविटी के लिए ज्यादा जगह है जगह है राजन जी आ, मैं अपने दर्शकों के लिए आ, जो तीसरे प्रकार की प्रश्नावली आपने जिक्र किया प्रारंभ में मिश्रित प्रश्नावली उसके विषय में जानना चाहता हूं कि मिश्रित प्रश्नावली क्या है इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए इसके निर्माण के समय और इसके क्या गुण हैं और क्या इसके इसके दोष हैं क्या इसकी सीमाएं हैं इस पर कृपया प्रकाश डालें देखिए मिश्रित प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है जिसमें सीमांत एवं खुले दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं उदाहरण के लिए एक प्रश्नावली में पचास प्रश्न हैं जिसमें 40 प्रश्न सीमांत और 10 प्रश्न खुले हैं तो यह मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है और जहाँ तक सावधानियों की बात है सीमांत प्रश्न बनाते समय सीमांत प्रश्नावली में बनाए गए सावधानियों बताई गई सावधानियों को ध्यान में रखें और खुली प्रश्नों को बनाते समय खुली प्रश्नावली में बताई गई सावधानियों और दोषों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को बनाएं अच्छा एक अच्छी प्रश्नावली के निर्माण के लिए आ, किन किन बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए या एक प्रश्नावली को हम किस आधार पर कहें कि ये बहुत ही बेहतर प्रश्नावली है यानी उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकें यह प्रश्नावली बढ़िया प्रश्नावली है और दूसरी प्रश्नावली खराब प्रश्नावली है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपके बारे जी प्रश्नावली का निर्माण हमेशा उत्तरदाताओं की भाषा में करना चाहिए यदि उत्तरदाताओं में कोई दृष्टिवादित छात्र है जो देख नहीं सकता तो विशेषज्ञों के सहयोग से प्रश्नावली को ब्रेल भाषा में परिवर्तित कर लेना चाहिए प्रश्नावली में एक व्याख्या पत्र लगा होना चाहिए जिसमें प्रश्नावली के प्रशासन के उद्देश्य के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए प्रश्नावली के प्रारंभ में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए ताकि उत्तरदाता अंकित करने की विधि के बारे में ठीक तरीके से जान सके समझ सके कोई संदेह न हो प्रश्नावली की लंबाई अर्थात प्रश्नों की संख्या ना तो बहुत अधिक हो ना बहुत छोटी हो क्योंकि अधिक लंबाई होने से छात्रों में निरस्ता आएगी थक जाएंगे सही तरीके से उत्तर नहीं देंगे और प्रश्नावली बहुत छोटी होने से प्रश्नावली की विश्वसनीयता प्रभावित होगी ना उसमें वो बातें ही नहीं आ पाएंगे जिन बातों को रखना जरूरी हा, है हाँ प्रश्नावली प्रश्न आकार की दृष्टि से छोटे होने चाहिए ताकि छात्र को प्रश्न बोधगम्य हो सके प्रश्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्य सरल होने चाहिए ताकि किसी प्रकार का छात्रों में भ्रम उत्पन्न न हो और प्रश्न में प्रयुक्त शब्द तथा उसके वाक्य दो अर्थिय नहीं होनी चाहिए उसका एक अर्थ होना चाहिए जी जी प्रश्न में केवल वे ही प्रश्न सम्मिलित किए जाएं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया है अनंत प्रश्नावली की वैधता प्रभावित हो जाएगी जी जी नहीं उद्देश्यों का खासकर ध्यान रखना चाहिए जब प्रश्नावली का हम निर्माण कर रहे हैं और प्रश्नावली में आप ऐसे ही प्रश्नों को शामिल करें जिसका उत्तर देने में किसी प्रकार की छात्रों को लज्जा नहीं आए शर्म महसूस ना हो ये बहुत ही विशेष बात हाँ विशेष बात है और प्रत्येक प्रश्न में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए अर्थात प्रश्न दिशा सूचक नहीं होने चाहिए किसी प्रकार का कोई उत्तर देने में संकेत न मिले अन्यथा आप सही आंकड़े संकलित नहीं कर पाएंगे और प्रश्नों का जो क्रम है वो मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए सामान्य प्रश्नों को पहले रखें विशिष्ट प्रश्नों को बाद में उपस्थित करें दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ठीक है दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अनुकूल प्रश्नों को पहले रखें और प्रतिकूल प्रश्नों को बाद में रखें प्रश्नावली देखने में सुंदर आकर्षक होनी चाहिए छपाई अच्छी होनी चाहिए एवं सुव्यवस्थित होनी चाहिए आंशिक दृष्टिवाधित छात्रों के लिए फोंट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए सामान्यतः 18 से 18 से 20 के बीच में रखें और जो आंशिक दृष्टिबाधित छात्र हैं या पूर्तः दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके ऊपर प्रश्नावली का प्रशासन व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए सामूहिक रूप से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो निर्देशों को समझेंगे नहीं प्रश्नावली का उद्देश्य क्या है उनको जानने में उनको कठिनाई होगी जी ठीक है और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिस गुण का या जिस योग्यता का मापन कर रहे हैं उनमें उच्च गुण वाले छात्रों और निम्न गुण वाले छात्रों में भेद कर सके अंतर कर सके जैसे मान लीजिए आप छात्रों की बुद्धि जानना चाहते हैं तो बुद्धि की प्रश्नावली में सारे प्रश्न ऐसे होना चाहिए जो बुद्धिमान छात्रों उच्च बुद्धिमान छात्रों एवं निम्न बुद्धिमान छात्रों में अंतर कर सके आप जान सकें कि ये उच, उच्च बुद्धि रखने वाले छात्र हैं और ये निम्न बुद्धि रखने वाले छात्र हैं प्रश्नावली विश्वसनीय होनी चाहिए और प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़े और समंकों की अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा मानकों का निर्माण कर लें क्योंकि कच्चे अंकों का कोई अर्थ नहीं होता है उनकी अर्थपूर्ण व्याख्या करनी होती है इसलिए मानक आवश्यक हाँ मानक उन, आवश्यक है उन अंकों की समझ के लिए हाँ समझ के लिए जैसे मान लीजिए सौ अंकों की प्रश्नावली है और उसमें से किसी छात्र के साठ अंक आए अब साठ अंक का क्या मतलब है किसी को क्या मालूम तो आप मानक बना लें कि इस साठ अंक का मतलब है कि औसत लेवल का छात्र है या उच्च लेवल का छात्र है या निम्न लेवल का छात्र मतलब इसका मतलब इसका क्या है कक्षा मानक हाँ, मानक आयु हाँ, कोई भी मानक जो, जो जो आप बना भी मानक बना जो प्रश्नावली का आप उद्देश्य है उद्देश्य के अनुसार जो निर्माण के पूर्व तय कर ले तय कर लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी समझ सके भाई इसका ये मतलब है अनथ प्रश्नावली का कोई मतलब नहीं होगा अच्छी प्रश्नावली के निर्माण आ, कौन कौन से प्रमुख चरण हैं, जिन चरणों से होकर एक शिक्षक को एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण करना चाहिए? आप सब लोग जानते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो पहले एक योजना बनाते हैं कि हमारे पास कितनी जमीन है हमको कितने कमरे चाहिए शौचालय कहाँ बनेगा और सहन कक्ष कहाँ बनेगा नहाने का स्थान कहां होगा कि, आ, और क्या क्या चीजें हैं गाड़ी कहां खड़ी होगी तो एक आप एक योजना बना देते हैं इसके इसके लिए कितने पैसे की जरूरत है कितना मेटेरियल चाहिए जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे आप अच्छा घर बना ही नहीं सकते इसी प्रकार प्रश्नावली इसी प्रकार है अगर आपको एक अच्छी प्रश्नावली बनानी है तो एक अच्छी योजना भी आपको बनानी पड़ेगी तो आइए सीखते हैं अच्छी योजना कैसे बनाते हैं पहले तो यह ध्यान रखें कि आप प्रश्नावली का निर्माण क्यों कर रहे हैं उद्देश्य क्या है आपका तो हमने निर्णय किया कि हम छात्रों की अध्ययन आदतों के मापन हेतु हम प्रश्नावली का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में विचार था कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो शहर में पढ़ने वाले बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या उनके पढ़ने लिखने के तरीके में यानी उनकी अध्ययन की आदतों में क्या कोई अंतर है क्योंकि समान्यता देखा जाता है कि शहर में पढ़ने वाले बच्चों का उपलब्धि अच्छी होती है तो ऐसा वो क्या करते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं

प्रश्नावली की लंबाई क्या होगी हमने निर्णय लिया कि 40 प्रश्न होंगे प्रश्नावली की भाषा क्या होगी हमने निर्णय लिया कि हिंदी भाषा में बनाएंगे क्योंकि छात्र हिंदी जानते हैं और ये भी निश्चित करते हैं कि प्रश्नावली के क्षेत्र कौन कौन से हैं बीमाएँ कौन कौन सी हैं तो हमने निर्णय लिया कि प्रश्नावली में अध्ययन आदमों से संबंधित पाँच क्षेत्रों पर हम प्रश्न बनाएंगे इसके बाद हम जो है अच्छी प्रश्नावली के निर्माण के लिए एक नील पत्र बना लेते हैं जिसे विशिष्टीकरण तालिका बोलते हैं अब हमने अध्ययन आदतों से संबंध पांच क्षेत्रों की पहचान की छात्रों की समझ कैसी है कौन से छात्र एकाग्रता से पढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट उनका कैसा है ड्रिल यानी अभ्यास वो कैसा करते हैं और वो, वो सारे पक्ष हाँ जो कि अच्छी अध्ययन आदतों हाँ, को आइडेंटिफाई कर आइडेंटिफाई कर लेंगे यह सहयोग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कुछ बच्चे इंटरनेट से सहायता ले लेते हैं कुछ बच्चे मैगजीन से ले लेते हैं अखबार से भी ले लेते हैं पड़ोसी से भी जाके पूछ लेते हैं माता पिता से भी पूछने की आदत होती है कुछ बच्चे कहीं से भी नहीं पूछते हैं नहीं। तो ऐसे करके हम जो है क्षेत्रों को पहचान कर लेंगे और हमने निर्णय लिया कि हमारे पाँच क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र से आठ प्रश्न हम बनाएंगे इस तरह से चालीस प्रश्न प्रश्नावली में हो गए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षकों के सामने ये समस्या हो सकती है कि भाई प्रश्नों का निर्माण कैसे करें कैसे करें अच्छे प्रश्नों का निर्माण भी तो आवश्यक है तो उसके लिए कुछ निम्न प्रकार की आप सावधानियां रखें सबसे पहले अपने अनुभव का प्रयोग करें कि आप कैसे पढ़ते थे टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे उन सब चीजों को देखें जब आप खुद को देख लें उसके बाद देखें कि उस समय मेरे भाई बहन कैसे पढ़ते थे मित्र मेरे कैसे पढ़ते थे

कि किस तरह से बनाया है उसकी टेक्निकल लैंग्वेज को आप समझेंगे तकनीकी को समझेंगे आप नकल नहीं नहीं करेंगे तो आ, वो आपकी मौलिक नकल करेंगे तो वो मौलिक प्रश्नावली आपकी नहीं हो नहीं होगी नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है और पूर्व में निर्मित कोई प्रश्नावली है तो आप उसको भी को आप देख सकते हैं अच्छा अच्छा होगा कि कुछ संबंधित छात्रों से जिनके लिए आप प्रश्नावली बना रहे हैं उनका साक्षात्कार कर लें जी भाई आप कैसे पढ़ते हैं बताइए तो उससे आपको अनुभव होगा कि इस तरह के प्रश्नों को रखने वो से मूल बिंदु उभर हाँ, के आएंगे, हाँ, उभर के आएंगे और उनको आप कर कर के अच्छे, अच्छे प्रश्न हाँ, आप जो है वार्तालाप कर, कर सकते हैं और प्रश्नों का निर्माण करते समय आप ये ध्यान रखें कि लगभग दो गुने प्रश्न बनाए जी क्योंकि बाद में उनका संशोधन होना है इसी से संबंधित जो दूसरा पक्ष है प्रश्नों का परीक्षण और संशोधन हाँ वो में? कैसे किया जाता है आ, तो आ, इसी के साथ आप आ, इस पर भी प्रकाश डालें देखिए आप प्रश्नावली प्रश्नों का निर्माण करने के बाद उसका जो है परीक्षण करते हैं प्रश्नों में संशोधन करते हैं उसके लिए ये प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का आप पालन करें पहले विषय विशेषज्ञ के पास में आप प्रश्नावली भेज दें और उनसे प्रार्थना करें कि आप मैंने जो प्रश्नावली बनाई है क्या विशिष्टीकरण तालका का मैंने अनुसरण किया है क्या प्रश्नों की उपयुक्तता है क्या प्रश्न विषय से ही संबंधित है यानी मैं अध्ययन आदत से संबंधित प्रश्नावली बना रहा हूं क्या प्रश्न अध्ययन आदत से संबंधित ही है कहीं ऐसा तो नहीं है भूल से मुझे कोई दूसरा प्रश्न मैंने सम्मिलित कर लिया हो क्योंकि तो कभी कभी जब हम स्वयं कार्य करते हैं तो वो गलती पहचान में नहीं आती है लेकिन जब दूसरा विषय विशेषज्ञ देखता है उसको तो वो पहचान लेता है, है। पहचान लेता है कि भाई इसमें ये गलती गलत इसमें किसी ये तो और पक्ष का किसी हाँ। और चीज जांचने के लिए हाँ, हाँ। हो सकता है वो अध्ययन आदत से संबंधित नहीं हो सकता है आप अध्ययन आदत से बना रहे हैं उस समय आपने एक बुद्धि का प्रश्न रख दिया रख दिया तो बुद्धि मापना तो आपका उद्देश्य है नहीं आपका उद्देश्य तो अध्ययन आदतों को माप मापना है तो विषय विषय विशेषज्ञ बता देगा कि भाई, हाँ, भाई प्रश्न ये ये प्रश्न उद्देश्यों का अनुरूप है ये ये प्रश्न उद्देश्यों का अनुरूप नहीं इनमें आप संशोधन कर लीजिए हटा लीजिए इसकी भाषा को थोड़ा सरल कर लीजिए ये दो अर्थ ये शब्द है इसको हटा लीजिए इसकी शब्द रचना इस तरह से कर लीजिए या इसकी प्रश्न की लंबाई बहुत है मान लीजिए एक प्रश्न ऐसा बना दिए जिसमें पांच लाइन है तो छात्र उसको समझेगा ही नहीं छात्र उसको समझेगा ही नहीं तो आप प्रयास करें कि एक या डेढ़ या दो लाइन का प्रश्न अधिकतम बनाएं। तो विषय विशेषज्ञों की टिप्पणी सुझाव के आधार पर आप उसके बाद जो है प्रश्नावली में आप परिवर्तन कर लीजिए सुधार कर लीजिए ताकि अच्छी प्रश्नावली का निर्माण आप कर सकें सकें अच्छा आ, ये प्रश्नावली को बन जाने के बाद उसे उस कैसे प्रस्तुत किया जाता है एक ऐसे यूज़र के लिए एक ऐसे प्रयोगकर्ता के लिए जिसने उस प्रश्नावली का निर्माण नहीं किया है तो क्या प्रश्नावली के निर्माण के बाद कोई निर्देशिका कोई कोई आ, उसका सार संक्षेप भी आ, देना आवश्यक होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है तिवारी जी आपने जो है क्योंकि मैंने जिस शिक्षक ने प्रश्नावली बनाई है वो तो प्रयोग करना जानता है क्योंकि उसने बनाई है लेकिन उसी प्रश्नावली कोई को दूसरे विद्यालय का शिक्षक प्रयोग करना चाहता है वो कैसे प्रयोग करे इसके लिए एक जो है निर्देश पुस्तिका तैयार करनी होती है निर्देश पुस्तिका में क्या क्या चीजों को हम रखें किन किन चीजों के बारे में निर्देश दें यह महत्वपूर्ण है प्रयोग से संबंधित निर्देश आप दें कि इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा प्रशासन से संबंधित आप निर्देश दें कि इसका प्रशासन व्यक्तिगत रूप में कर सकते हैं या, या सामूहिक रूप गर, से कर सकते हैं ठीक है आंकड़ों के संकलन के बाद उसकी स्कोरिंग कैसे करें अंकन कैसे करें कूट संकेतन कैसे करें उस प्रश्नावली को प्रशासित करने में कितना समय लगता है समय समय भी निश्चित, हाँ, समय आ, भी निश्चित, निश्चित, मालूम होना, मा, माल। होना चाहिए कि इतना समय लगता है नहीं तो दूसरा शिक्षक अच्छी योजना नहीं बना पाएगा और उसमें यह भी निर्देश दें कि प्रश्नों का उत्तर कैसे दें लिखित रूप में देंगे या टिक लगा के देंगे यह भी स्वरूप का निर्धारण उसमें करना जरूरी है इसके अतिरिक्त निर्देश पुस्तिका में प्राप्त प्राप्त तो अंकों की व्याख्या कैसे करें इस बारे में भी पूरी तरह उसमें देने चाहिए इस प्रकार से आप जो है अच्छी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी आज आपने हमारे दर्शकों के लिए प्रश्नावली के विविध पक्षों पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रकाश डाला आपने बताया कि प्रश्नावली मूल रूप से क्या होती है इसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं और उन विविध प्रकारों की प्रश्नावलियों के निर्माण के समय किस किस प्रकार की सावधानियों को बरतना चाहिए आपने यह भी बताया कि उन विविध प्रश्नावलियों के गुण क्या हैं उनकी सीमाएं क्या हैं और उनकी सीमाओं को कैसे हम बढ़ा सकते हैं यानी उसको ज़्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हैं साथ ही आपने यह भी बताया कि प्रश्नावली के निर्देशिका कैसे तैयार की जाती है ताकि कोई दूसरा शिक्षक भी उस निर्देशिका के आधार पर अपने विद्यालय में उस प्रश्नावली का प्रशासन कर सके आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा की एन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद त्योरी नमस्कार नमस्कार षित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने कभी पढ़े हम कहीं पढ़ें वे विषय के लोच से